Mr. Singh Productions presents. परम सत्कार जो गुरु महाराज दी पावन ते बित्र हजूरी बैठे सर्वत गुरु रूप खालसा साध संग जी सारे हाजरी लवाओ वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। अज असी सारे कौम दी उस महान हस्ती महान विद्वान सिंह साहब ज्ञानी मल सिंह जी उन्हां दी जात दे विच सारी संगत गुरु की हजूरी विच जुड़ बैठे हाँ। गुरु का जस कीर्तन होना है और इस तो बाद साड़ी सिख कौम के महान विद्वान ज्ञानी पिंदरपाल सिंह जी उन्होंने भी त्यौहार न तुहाडे नाल अपने विचारां दी सांझ पाउणी है। चाहुंदा तां सी मैं उस तो बाद जांदा लेकिन कुछ रजेवें ऐसे ने मीटिंगां रखियां हुई ने और कल ही मैनूं हुक्म होया सी सिंह साहब ज्ञानी अमरजीत सिंह दा कि तुसीं जरूर आउणा है और इस तो बाद उन्हां नाल साडा ख्यास प्यार भी रहा क्योंकि साडे इस इलाके दी महान हस्ती सन। उन्होंने साडे इस इलाके नूं ज्ञानी मल सिंह जी ने चार चंद लाए। सानूं माण भी है ऐसियां महान हस्तियां दा और मैं देखदा कि ऐसे महान विद्वान महान हस्तियां किदे कदाई सानूं दिखण च आउंदियां ने और मैनूं उन्हां दे नेड़े होण दा बहुत समां मिलिया। मैनूं उह समां वी याद आउंदा है जदों उन्होंने अपनी और ग्रंथी दे वजों इस गुरुद्वारा साहब शुरुआत की। अमर शहीद संत हरचंद सिंह लौंगोवाल जी ने उन्होंने नियुक्ति करवाई सी। उस समय मैं देखिया मैं भी उद छोटा सी बीए फाइनल का मैं ध्यान देना सी। मैं बाबा जी ने कहा मैं उत्थे बरनाले रहना है वो कहिंदे ज्ञानी मल सिंह जी उत्थे बहुत वधिया इंसान ने तो उन्होंने कोले चले जाए और मैं इत्थे रहा। उन्होंने सानू इत्थे महीना एक रह के असीं अपने इम्तिहान भी दिते। उस समय मैं देखा किन्ना उन्हां विच निर्माणता दा गुण और किसी सहनशीलता और विद्वता तो है ही है सी। उन्होंने बहुत सारे गुण भी हैं। कई बारी विद्वता होंदी है और कई बार थोड़ा जिहा बंदा हो जाए उन्हूं बड़ा माण हो जाता है मैं बहुत उच्चा मेरे कोल बड़ा भंडार हैगा ज्ञान का। लेकिन उन्होंने देख के ये नहीं लगता सी कि एडे विद्वान बंदे ने जदों कथा करते उस पर तो लगता कि किड्डे विद्वान से। फिर मैं समझना सतगुरु महाराज की किड्डी वड्डी कृपा हुई उन्होंने उत्ते कि इस स्थान तो लागे किड्डी उच्ची पदवी पर पहुँचे। ये ऐसा पदवियां जड़िया ने यह सतगुरु की कृपा के नाल सानू प्राप्त होंदिया ने। मनुख के बस की गल नहीं है किठे जाके केसगढ़ के सिंह साहब तक वो चले गए। श्री हरिमंदर साहब का हैड ग्रंथी होना कोई छोटी जी गल है जिते भाई मनी सिंह वर्गे जे महान और योधे महान शहीद रहे होण। सो इस करके ऐसे महान आगू ने उहदा घाट तो सानू सारी सिख कौम नूं है ही है परिवार नूं तां है ही है। सानू बहुत वड्डी घाट पई है साडे इलाके नूं समुची कौम नूं मैं समझदा उहनां दी वड्डी घाट पई है। लेकिन परम हुक्म है अंदर सब को बाहर हुक्मना कोई सारा संसार सारी कायनात उस अकाल पुरख दे हुक्म दे विच ही असी सारे बजे हुए हैं। उहदे हुक्म दे विच ही सानू सारिआं नूं अपना जीवन जिहड़ा है वह बसर करना पैंदा है। सो मैं जिथे उन्हां नूं अपने वल्लों श्रद्धा अर्पण करदा उत्थे इह भी सतगुरु की अरदास है सतगुरु महाराज कृपा करन अज दे समें विच जो सानू और लीहां दे के गए ने। वैसे तो परिवार ही बहुत चंगे उन्हां दा ऐसा उनके बच्चे ज्ञानी अमरजीत सिंह जी जिहड़े अज ग्रंथी की सेवा निभा रहे ने श्री हरिमंदर साहब च उन्हां दूसरे बेटे इत्थे मैनेजर भी लगे हुए ने। सो ये भी चंगी सतगुरु की बख्शिश ने। सो मैं जिथे उन्हां नूं यही सतगुरु की अरदास की है कि सानू भी ऐसी बल बुद्धि बख्शे असीं भी अज सिखी दे नाल जुड़िए। साड़ी जवानी है साड़े बच्चे ने जिहड़े जो सिक्खी तो दूर जा रहे ने और उन्होंने भी सतगुरु महाराज बख्शिया कर अज फिर सिक्खी दे नाल जुड़न सारे।
ਸੋ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੇ ਮੇਰੇ ਵਰਗੇ ਨਚੀਜ਼ ਬੰਦੇ 'ਤੇ ਕਿੱਡੀ ਵੱਡੀ ਕਿਰਪਾ ਕੀਤੀ, ਕਦੇ ਸੋਚਿਆ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਐਡੀ ਵੱਡੀ ਸਰਮੌਰ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਜਥੇਬੰਦੀ ਦਾ ਮੁੱਖ ਸੇਵਾਦਾਰ ਹੋਣਾ ਕਿਤੇ ਗੱਲ ਜੀ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਤਾਂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਨੇ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਸ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਆਪਣਾ ਮਿਹਰ ਭਰਿਆ ਹੱਥ ਦੇ ਕਿ ਤੋਂ ਕੋਈ ਸੇਵਾ ਲੈਣੀ ਹੈ। ਉਹ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਹੀ ਸਾਰਾ ਇਹ ਕੁਝ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਬਸ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਸੋ ਜਿੰਨੀ ਵੱਡੀ ਸੇਵਾ ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਬਖਸ਼ੀ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਵੀ ਅੱਜ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਮਹਾਨ ਵਿਦਵਾਨ ਇੱਥੇ ਆਏ ਨੇ, ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਹੋ ਕੇ ਚਲੇ ਗਏ ਨੇ, ਰਾਗੀ ਸਿੰਘ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਔਰ ਮੈਂ ਤਾਂ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਹੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗਾ, ਸਾਰੇ ਸਾਥ ਦੇ ਕੇ ਮੇਰੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਸਿਰ 'ਤੇ ਮਹਿ ਭਰਿਆ ਆਪਣਾ ਹੱਥ ਰੱਖ ਕੇ ਸਾਰੇ ਆਪਾਂ ਜੋ ਸੇਵਾ ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਬਖਸ਼ੀ ਹੈ ਉਹ ਸੇਵਾ ਹਮੇਸ਼ਾ ਨਿਰਮਾਣਤਾ ਦੇ ਨਾਲ ਵਧੀਆ ਤਨ ਮਨ ਧਨ ਦੇ ਨਾਲ ਔਰ ਉਹ ਕਰਨ ਦਾ ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨ, ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਮੇਰੇ ਸਿਰ 'ਤੇ ਹੱਥ ਰੱਖ ਕੇ ਕਿਰਪਾ ਕਰੇ, ਫਿਰ ਮੈਂ ਉਸ ਮਹਾਨ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਸ਼ੁਭਕਾਮਨਾ ਭੇਟ ਕਰਦਾ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਅੱਛਾ ਹਾਂ, ਇੱਕ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਯਾਦ, ਕਿਉਂਕਿ ਐਡੇ ਮਹਾਨ ਆਗੂ ਸੀ, ਧਾਰਮਿਕ ਆਗੂ ਸਨ, ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਸਨ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਯਾਦ ਤਾਂ ਬਣਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀ ਦੀ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਢੀਂਡਸਾ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿ ਕੇ ਗਏ ਨੇ, ਹੋਰ ਵੀ ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਨ ਸਾਡੇ ਮੈਂਬਰ ਸਾਹਿਬਾਨ ਖੜ੍ਹੇ ਨੇ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਤੁਸੀਂ ਹੁਕਮ ਕਰੋਗੇ, ਆ ਸਾਡੇ ਪੂਣ ਸਾਹਿਬ ਨੇ, ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਨੇ, ਸਾਰੇ ਚੁੰਘਾ ਸਾਹਿਬ ਖੜ੍ਹੇ ਨੇ, ਮੈਂਬਰ ਸਾਹਿਬ ਸਾਡੇ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ, ਜਿਵੇਂ ਇਹ ਕਹਿਣਗੇ ਵਧੀਆ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀ ਬਣਾਵਾਂਗੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ, ਜਿੰਨਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਟਰੇਚਰ ਹੋਊਗਾ ਉਹ ਵੀ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਇੱਕ ਸੋਹਣੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਯਾਦਗਾਰ ਬਣੇ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੈਨੂੰ ਹੁਕਮ ਕਰਨਗੇ ਆਪਾਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ, ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਯਾਦਗਾਰ ਸੋਹਣੀ ਬਣਾਵਾਂਗੇ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ।